गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज डेट इज 16/07। ओके, टुडे वी विल डू दिस चैप्टर लाइवलीहुड मैटर्स, यानी कि हम लोग के डे टू डे लाइफ में जो भी होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, वो कौन आदमी होते हैं जो हमारा काम करते हैं। ठीक है, देखिए अब स्केच कार्टून्स फॉर बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। वो जो है आई स्केच कार्टून्स, यानी कि मैं जो हूँ वो कार्टून्स बनाता हूँ। क्या चीज के लिए? बुक्स के लिए और न्यूज़पेपर्स के लिए। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए कार्टूनिस्ट क्या होगा, कार्टूनिस्ट। ओके, सेकेंड नंबर देखिए, आई शेप मेटल टू मेक थिंग्स। मैं जो मेटल मेटल को तोड़ मरोड़ के जो भी शेप होता है उसको शेप में लाके सामान बनाता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा इसका, ब्लैक स्मिथ। क्या होगा? ब्लैक स्मिथ। थर्ड नंबर देखिए, आई केयर फॉर सिक एंड इंजर्ड पीपल इन हॉस्पिटल। मैं जो हूँ हॉस्पिटल में जो बीमार रहते हैं और जो इंजर्ड, जिनको चोट लग जाता है, उनका केयर करती हूँ। तो क्या होगा? नर्स। क्या होगा? नर्स। ओके, आई स्टडी नेचर एंड लिविंग बींग्स। ये नेचर यानी कि नेचुरल चीज जो होता है उनको स्टडी करते हैं और लिविंग बीइंग्स को। ठीक है, तो क्या होगा? नेचुरलिस्ट। क्या होगा? नेचुरलिस्ट। ओके, नेक्स्ट है, आई फिक्स एंड रिपेयर पाइप्स फॉसेट्स एंड वाटर फिटिंग्स। मैं जो हूँ पाइप का रिपेयर करता हूँ और वाटर फिटिंग्स यानी कि जो भी पाइप वगैरह लगता है, नल वगैरह जो लगता है वो ये लगाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लम्बर। प्लम्बर। ओके, आई मेक एंड सेल बुकेट्स ऑफ फ्लावर्स। मैं जो हूँ बुकेट्स बनाती हूँ फ्लावर्स का और उनको बेचती हूँ। तो क्या होगा? फ्लोरिस्ट। क्या होगा? फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट। ओके बच्चों, यहाँ पे ये जो है आर है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, ये इस तरह से भी आर लिखाता है। ठीक है, चलिए अब हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, इंडियंस ऑन द मूव। वो कुछ पर्सनालिटी का नाम है, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, उनको हम लोग को देखना है। वन ऑफ द यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से हम लोग को देखना है। ठीक है, कौन है? वन ऑफ द टॉप इंडियन बिजनेस लीडर्स, सी हेट्स द सॉफ्ट ड्रिंक जेन पेप्सिको। ये जो है बिजनेस लीडर में से एक है, इंडिया के टॉप बिजनेस लीडर्स जो होते हैं, और ये क्या चीज को हेड, ये क्या चीज की हेड है? सॉफ्ट ड्रिंक जेंट पेप्सिको का। तो ये कौन है? ये इंदिरा नुई है। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए, दिस वर्ल्ड फेमस सेंट आर्टिस्ट हैज ओन मेनी इंटरनेशनल कंटेस्ट। इसमें जो है ये सेंट आर्टिस्ट हैं। ठीक है, जो बालू से बनाते हैं पेंटिंग्स। ठीक है, ये इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय कंटेस्ट भी जीते हुए हैं। तो इनका नाम क्या होगा, देखिए क्या है ये, सुदर्शन
पटनायक हैं। सुदर्शन पटनायक, ओके। ये ए है, रुक जाइए मैं इसको मिटा के कर देती हूँ। सुदर्शन पटनायक, ओके। चलिए यहाँ पे है, द ग्रेटर मास्टर ऑफ क्लासिकल वोकल म्यूजिक इज ऑल्सो अ भारत रत्न अवार्ड। ये जो है सबसे बड़े क्लासिकल म्यूजिक का जो है ये वोकल अवार्ड, ये वोकल यानी वॉइस से निकालते हैं, ठीक है, गाते हैं क्लासिकल म्यूजिक का, और इनको जो है भारत रत्न अवार्ड भी मिला हुआ है, ठीक है। तो ये कौन है, भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, अर्जुनियोड राइटर His book 5 Point Someone was a path breaker in the fiction। ये एक राइटर है, ठीक है, इनका एक बुक का नाम है 5 Point Someone। ये जो है इनके लाइफ में बहुत ही मतलब अच्छा बुक, फिक्शन का बहुत ही मतलब नामी बुक था, ठीक है, बहुत ही वो बुक के द्वारा ही इनको जो है, वैसे तो इनको बहुत पहचान मिला है, लेकिन ये इनका बहुत अच्छा राइटिंग था, तो इसलिए ये कौन है, ये चेतन भगत है। कौन, राइटर का नाम क्या है, चेतन भगत, ओके। अब ये देखिए, दिस डेडिकेटेड साइंटिस्ट हेड्स द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट CSE, an NGO doing great work in people environment relationship। ये जो है ये साइंटिस्ट की हेड है, कौन से डिपार्टमेंट की, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, ये एनवायरमेंट की है CSE की, और इनका जो है एक NGO भी है, जिस जो NGO क्या चीज के लिए काम करता है, पीपल एनवायरमेंट रिलेशनशिप, यानी कि लोगों को एनवायरमेंट के द्वारा एनवायरमेंट से जोड़ता है, उसका रिलेशन समझाता है, ठीक है। तो ये कौन है, सुनीता नारायण, कौन है, सुनीता नारायण। आगे है, दिस इंटरनेशनल चेस प्लेयर हैज ओन मेनी अवार्ड्स फॉर आवर कंट्री। ये जो है इंटरनेशनल चेस प्लेयर है, ठीक है, तो कौन है, विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद, कौन है, विश्वनाथन आनंद, ओके। स्टूडेंट्स, ओनली दिस मच फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, और आप लोग इस सबको याद कर लीजिएगा, ओके, बाय।